अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमात पंजुम स्कॉलरशिप इम्तिहान के वीडियो सीरीज आपका खैर मकदम है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, वीडियो को आखिर तक देखिए और टेस्ट हल कीजिए। उर्दू ज़बानदानी के आज के वीडियो में हम फेल के ज़माने और उसकी मिसालें भी हल करेंगे ताकि आपको फेल के ज़माने अच्छे तरीके से समझ में आए। सबसे पहले मिसालों के ज़रिए देखते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर तीन जुमले दिए गए हैं, हमें इसके ज़रिए समझना है। ज़ैनब खाना पकाती है, ज़ैनब खाना पकाती थी, ज़ैनब खाना पकाएगी। इन तीनों भी जुमलों में पकाती है, पकाती थी और पकाएगी हमें क्या समझ में आ रहा है? ये जो है पकाना, ये फेल है, लेकिन पकाती है, पकाती थी और पकाएगी, इससे फेल के ज़माने हमें जाहिर होंगे। हम एक एक कर देखते हैं कि फेल जिस फेल से ये मालूम हो कि कब काम अंजाम दिया गया, उस वक्त को ज़माना कहते हैं। और ज़माने की तीन किस्में हैं, अहम किस्में। नंबर एक ज़माने हाल, नंबर दो ज़माने माजी और नंबर तीन ज़माने मुस्तकबिल। हम हर एक ज़माने का की डेफिनेशन, तारीफ और उसकी मिसालें देखते हैं तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पहला है ज़माने हाल। जिस फेल से मालूम हो, यानी ऐसा काम जिस काम के करने से मालूम हो कि काम जो है वो मौजूदा ज़माने में हो रहा है या होता है, अभी जो हमें दिखाई दे रहा है या फिर हमारे प्रेजेंट में सामने हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे ज़माने हाल। मिसाल के तौर पर समद बीमार है और अहमद सो रहा है, इससे हमें साफ जाहिर होता है कि ये जो काम है वो अभी हो रहा है, तो उसे ज़माने हाल कहेंगे। अगला ज़माना है ज़माने माजी। जिस फेल से मालूम हो कि काम गुजरे हुए ज़माने में हुआ, यानी हो चुका है, ये इस ज़माने को ज़माने माजी कहते हैं। जैसे कि एक राजा था, वो मुंबई जा पहुंचा, यानी ज़माने माजी, यानी जो के काम कंप्लीट हो चुका है। राजा था, वो मुंबई जा पहुंचा, यानी पहुंच चुका है, काम मुकम्मल हो गया है, तो उसे हम ज़माने माजी कहेंगे। अगला है ज़माने मुस्तकबिल। हम इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहते हैं। जिस फेल से मालूम हो कि काम आने वाले ज़माने में होगा, यानी होना बाकी है, उसे अभी ना हुआ है ना हो रहा है बल्कि वो होने वाला है, उस ज़माने को ज़माने मुस्तकबिल कहते हैं। जैसे कि हम सैर को जाएंगे, प्लानिंग्स, फिर शाहीन ज़रूर कामयाब होगी, ये उम्मीद है। यानी हम फ्यूचर के बारे में, आने वाले ज़माने के बारे में जब बात करते हैं तो उसे ज़माने मुस्तकबिल कहते हैं। हम मिसालें देखेंगे। ज़माने माजी पहचान कर उसके मुतबादिल दायरे को रंग दीजिए। कौन सा ज़माना पहचानना है? माजी का। ये सब फेल है, जिसे देखना फेल है, उसको उसके ज़माने दिए गए हैं। देखूंगा, यानी ये मुस्तकबिल का है। देखने वाला हूँ, ये भी मुस्तकबिल का जुमला है। और ये चौथा वाला जो है देखता है, ये है ज़माने हाल। लेकिन जो तीन नंबर का ऑप्शन है वो देखा, यानी काम हो चुका है, देखा, तो ये हमारा तीन नंबर का ऑप्शन ज़माने माजी का है। अगली मिसाल देखते हैं। ज़माने मुस्तकबिल पहचान कर उसके मुतबादिल दायरे को रंग दीजिए। आपको एग्जाम में इस तरह से जुमले भी आ सकते हैं कि वो जुमला कौन से ज़माने का है, पहचानिए। तो यहाँ पर है अकबर नज़म सुना रहा है, यहाँ पे हमें मुस्तकबिल, ज़माने मुस्तकबिल पहचानना है। सुना रहा है, ये है ज़माने माजी का, ज़माने हाल का। दूसरा है उसे अपने वतन से बहुत मोहब्बत थी, यानी वो हो गुजरा है, यानी माजी का जुमला है ये। हसरत मोहनी एक अच्छे शायर भी थे, ये भी हो गुजरा है, थे आया है यहाँ पर। चौथा है मैं साइंसदा बनूंगा, ये यानी काम होने वाला है, तो इसलिए हमारा मुस्तकबिल का जुमला जो है वो चार नंबर का है, मैं साइंसदा बनूंगा। अगली मिसाल देखते हैं। दर्ज जेल जुमले के लिए सही मुतबादिल तलाश कीजिए।
एडिसन ने मुख्तलिफ तजुर्बात किए। तो ये तजुर्बात किए है यानी हो गुजरा है, ये काम कंप्लीट हो गया है, इसलिए जो के काम कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, वो जमाने माजी में होता है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। तो इस तरह से अलग अलग मिसालें हमें जुमला देकर उसका जमाना पहचानने के लिए भी कहा जा सकता है, या फिर हमें जमाना पहचानना होगा और जुमले दिए गए होंगे ऑप्शन में। तो इस तरह से अलग अलग मिसालें हमने हल किए। आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर भी टेस्ट हल कीजिए, उससे आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया।